हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हर सेट में देखने को मिलेंगे, वो 20 में लेके मैं आ गया हूँ। हालांकि मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि आएगा ही आएगा गारंटी के साथ। कह रहे, माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध कौन सा होता है? सही संबंध कौन सा है वो आपको बताना है। तो माध्य, माध्यक का बहुलक में जो सही संबंध होता है, जो बहुलक होता है, वो माध्यक का 3 गुना होता है, और उसमें दो माध्य क्या करना होता है, घटा देना होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, वो एकदम सही संबंध है, और ये हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इस साल जरूर आएगा। 20 छाट के लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, माध्य निकालने के लिए आता ही आता है। सो देखो, माध्य निकालना है ना, तो जितनी संख्या है उनको सबको हमें जोड़ देना है। 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या बोलिए, 1, 2, 3, 9 संख्याएं सबको जोड़ दिया, जितनी संख्या उससे भाग देना होता है 9 से। अब जोड़ो, देखो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 और 1 10, ये 20, ये 30, 40 और ये 5 45 45 बट्टे 9, तो 9 5 45, तो हमें हमारा जो सही उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सिंपल। बाकी मैंने 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं, वहां से तो आएंगे ही आएंगे पूरा। ठीक है, ये 20 रिपीटेड वाले हैं, लेकिन पिछले बार बार जो पूछ जाते हैं 100 ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं, कल ही वीडियो अपलोड किए, जाके देख लेना। कह रहे हैं, यदि बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना हो, तो ए का मान बताइए क्या होगा। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए, हमारे पास एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, हमें ये जो बिंदु दे रखा है क्यू, ये दे रखा है -6.5, और ये बिंदु हमें आर दे रखा है -2.3, और हमें जो मध्य बिंदु दे रखा है पी, ए बट्टा 3.4 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक, और ये x2, ये y2। आप जानते हैं मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, x निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है, x निर्देशांक इसके बराबर होता है और y निर्देशांक इसके बराबर होता है। तो प्रश्न में जो हमें मान निकालना है, वो x निर्देशांक में a बैठा हुआ है मध्य बिंदु में, तो उसको लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि x बराबर क्या है, x1 + x2 / 2 होता है, x1 की जगह हमारे पास प्रश्न में क्या है, -6, और x2 हमारे पास क्या है, -2/2, और x निर्देशांक क्या दे रखा है प्रश्न में, 1/3। आगे हल करेंगे, यहाँ है 1/3 -8/2, 2 × 8, और बट्टे का दिन इधर के क्या हो जाएगा ऊपर गुणे में, तो एक का मान हो जाएगा 4 × 3 = 12, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ठीक, तो बहुपद का अगर शून्यक अल्फा और बीटा मान लो, तो सूत्र क्या होता है, α + β = शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -kb/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। अच्छा भैया, यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, होता है x² का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, फिर b x का गुणज, x यहाँ कुछ है नहीं है तो x का गुणज हमारा क्या हो जाएगा 0, और अचर पद हमारा क्या होता है, अचर पद हमारा -k3 है। अब देखिए, α + β -kb, b हमारा क्या है, कुछ नहीं है, 0 है, और a हमारा क्या है, 1, 0/2 कुछ भी हो आंसर क्या होता है, 0। अगर हम गुणनफल निकालना होता है, अचर पद हमारा -3 और a हमारा 1 था, तो आंसर आता -k3। लेकिन हमसे प्रश्न में योगफल पूछा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0, हमारा उत्तर होगा 0। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि समीकरण युग्म इतना और इतना द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो, तो k का मान क्या होगा।
समांतर की जो कंडीशन होती है बच्चों वो क्या होती है, वो होती है A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2, बराबर नहीं होती है C1 बट्टा C2। ठीक है, तीन कंडीशन आपको पता है, उन्हीं में से प्रश्न आता है। देखो यहाँ पर A1 क्या है, 6, और A2 क्या है, x का गुणज k, B1 क्या है, y का गुणज माइनस के 3, और B2 क्या है, y का गुणज माइनस के 1। स्टार्टिंग के दो ही बराबर ले लो, तो माइनस से माइनस कटा, त्रिचौना करेंगे, 3 एकम 3 के, और ये 6 एकम 6, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया हमारा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये जो एपी दे रखा है इसका तीसवा पद क्या होगा, इस एपी का तीसवा पद क्या होगा। देखिए जो एपी हमारा तीसवा पद निकालना, A30 तीसवा पद निकालना है, यानी कि एक कम कर दो, A+29D। तो इस एपी में जो प्रथम पद है वो ए हमारा कितना है, 10 है, और डी कैसे निकलता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, द्वितीय पद हमारा 7 है, प्रथम पद हमारा 10 है, तो घटा देंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। अब आ जाओ, ए की जगह रख देंगे 10 और डी की जगह रख देंगे माइनस का 3, 10 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 29 3 87, 10 घटा दोगे तो आ जाएगा माइनस के 77। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस के 77। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, माइनस के 77। अच्छा, एक प्रश्न में ये बोल देता हूँ, अगर ए एन हमारे पास एनवा पद 2n+3 है तो इसका दूसरा पद क्या होगा और इसका शार्वंतर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको एनवा पद दे रखा है, अगर आपको एनवा पद दे रखा है और आपसे बोला जाए कि भैया बताओ डी क्या होगा, शार्वंतर क्या होगा, तो शार्वंतर क्या होता है, जो एन का गुणज होता है। ठीक, और आप ठीक है, शार्वंतर क्या होता है, जो एन का गुणज होता है। अब आपसे दूसरा पद बोला है तो बस एन की जगह 2 रख दो, तो 2 दूनी 4 + 3 7। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो हर साल एग्जाम में आते हैं। कह रहे यदि समीकरण का एक मूल 2 हो तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, मूल क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, मूल मतलब एक्स का वो एक मान हुआ। ठीक, तो हमारे पास जो समीकरण है 2x² + ax + 6, हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर 2 रख देना है, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर क्या करो, 2 रख दो, 2 रख दिया, एक्स की जगह पर क्या रख दो, 2। तो यहां से देखो 2 दुनी 4 दुनी 8, और ये प्लस का 6, और ये है 2a, 8 6 14 प्लस के 2 इधर के माइनस का 2, 2 गुणे में माइनस के इधर के पट्टी में हो जाएगा, 2 7 14, एक का मान किया गया माइनस के 7, एक का मान हो जाएगा बच्चों माइनस के 7। जल्दबाजी में प्लस के 7 मत लगा देना, ध्यान से देखो, बच्चे हड़बड़ाहट में प्लस की जगह माइनस देखते नहीं है, 7 दिखा लगा दिया, तो गड़बड़ मत करना, ओ मार्कशीट में कटपिट करोगे तो वो अलाउड नहीं होता, तो ध्यानपूर्वक अपना मार्क ओ मार्कशीट पर लगाना है। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म इसका और इसका हल क्या होगा। देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखे हैं, मैंने फालतू क्वेश्चन नहीं डाले हैं कि भाई ये हो वो हो ये है डाल दो, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे ना वैसे ही रखे हैं, आसान है सारे, और आपको विश्वास नहीं होगा ना कल पेपर देके आना और फिर मुझे इस वीडियो में आके कॉमेंट करना। कह रहे हैं इसका और इसका हल क्या होगा, हल कर लेते हैं भाई, हमारे पास समीकरण क्या है, x + y = 10 है और x - y = 4 है, जोड़ेंगे प्लस माइनस वाई कटा, x2x 10 और 4 14, और 2 7 14, x = 7 आ गया। ठीक, अब हमारे पास x + y = 10 था, x की जगह पे 7 रख दो तो y का मान क्या आ जाएगा, 3, प्लस का 7 इधर के घट गया तो y का मान आ गया 3, तो हमारा उत्तर होगा 7.3, x का मान 7 होगा और y का मान 3 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर 3 cot θ का मान 4 के बराबर हो तो cosec θ का मान क्या होगा। सो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, cot
ये जो 3 गुणे महेंद्र के क्या हो जाएगा, भट्टे में हमें निकालना कौशिक थीटा। और आप जानते हैं कि भैया जो कौशिक थीटा होता है ना, सूत्र का खेल है, अंडर रूट होता है 1 + cot² θ। और कॉट तो दे रखा है हमें, तो कॉट का मान क्या है, 4/3। वर्ग है तो वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 9 + 16/9, तो ये हो जाएगा 25/9। और ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3। आंसर आ जाएगा 5/3। आंसर कितना होगा, 5/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः इतने और इतने हो तो माध्यिका क्या होगी। अभी मैंने आपको एक संबंध बताया था कि जो बहुलक होता है, बहुलक जो होता है 3 होता है, 3 गुना होता है माध्यक का, माइनस के 2 माध्य होते हैं। ठीक, हमें प्रश्न में बोला है माध्यिका निकालो, तो माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका को एक्स बोल दिया हमने। हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, पहले बहुलक दे रखा है 45 और माध्य दे रखा है, बहुलक दे रखा है 45 और माध्य दे रखा है 27। 45 3 × x 27 × 54। अब क्या होगा, माइनस का 54 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस का 54। ठीक, इनको जोड़ोगे तो 99 आ जाएगा। 3 इस तरफ गुणे में इधर रखे क्या हो जाएगा बच्चों, भट्टे में आ जाएगा। भाग दे दो, 3 × 3 = 9 तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 33। x का मान कितना आ गया, 33। आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 52 ताशों की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, ताश की जो गड्डी होती है उसमें हमारे 52 पत्ते होते हैं, इसके 2 कैटेगरी हैं, एक तो लाल कैटेगरी है, ठीक है, और एक काला है। लाल में 26 पत्ते होते हैं, काले में भी 26 पत्ते होते हैं, और लाल की कैटेगरी फिर से 2 हो जाती है, जिनमें हर एक कैटेगरी में 3-3 पत्ते होते हैं, सॉरी 13-13 पत्ते होते हैं, 3-3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, हमसे बोला है लाल रंग का मुख कार्ड बोले तो फेस कार्ड, इस हर एक कैटेगरी के पास 3 फेस कार्ड होते हैं, हर एक कैटेगरी के पास 3 फेस कार्ड होते हैं। तो लाल रंग का मुख फेस कार्ड कौन होता है, बेगम, गुलाम और बादशाह, ये 3 चेहरे वाले पत्ते होते हैं। तो लाल रंग की कैटेगरी में कितने फेस कार्ड है, 6 है। और आपको प्रायिकता का सूत्र पता होगा, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, 3 और 3 6, और कुल परिणाम हमारा कितना है, 52। काटो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12। आंसर आ जाएगा 3/26, 3/26। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखो, हमारे पास 2 गोले हैं, चित्र बना के दिखाऊं, ये एक गोला है और ये एक गोला है, ठीक है, इनके आयतन का अनुपात दे रखा है। पहले वाले की त्रिज्या हम स्मॉल आर और दूसरे वाले का कैपिटल आर मानते हैं। आयतन का अनुपात पहले वाले गोले का आयतन का क्या होगा, 4/3 πr³। अनुपात का मतलब भट्टे में होता है, 4/3 πr³। ये हमें दे रखा है 27/64। देखो, 4/3 पे 4/3 पे इकट्ठा, इसको मैं लिख सकता हूँ, ऊपर देखो r³ है, इधर भी क्यूब है, इसे मैं लिख सकता हूँ r/r, टोटल की घात 3। 27 क्या होगा, 3 × 3 = 27, 3 की घात 3, और 64 क्या होगा, 4 × 16 = 64, 4 की घात 3, तो टोटल की घात 3 आ गया। घातों की तुलना करेंगे, घात हटा, r/r का मान आ गया 3/4। हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला प्रश्न में, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4π r² और इसका क्या हो जाएगा, 4π r² अनुपात का मतलब बट्टे में। अब आप 4π से 4π काटोगे, क्या बचा, r/r का, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल का स्क्वायर, और यहाँ से r/r का मान उठाकर रख दो, तो 3/4 टोटल का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 4 × 16, तो 9 अनुपात 16 आ जाएगा। बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो
आपका जो पहला ऑप्शन है नौ अनुपात 16, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। हो गया आराम से, आगे बढ़ते हैं। हमसे ये बोला है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बोला है। तो माध्यिका में जब भी हम निकालेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में रखना होता है। किस क्रम में रखना होता है? आरोही क्रम में रखना होता है। अगर आंकड़े दिए हो आपको तो अगर इधर उधर व्यवस्थित नहीं हो तो आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। तो देखो प्रथम 10 बोला है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमने आरोही क्रम में रख दिया। 10 है यानी कि n हमारा क्या है? सम संख्या है। जब भी सम का केस होगा ना तो बीच में दो पद होंगे, इधर जितने हैं उधर भी उतने ही रखने। तो देखो इधर चार पद होंगे, इधर चार पद रखो, आपके बीच में दो पद आ जाएंगे, आपके बीच में दो पद आएंगे सम के केस में। और जो दो पद आएंगे उनको जोड़ना है और उसका आधा कर देना है। तो 6 और 5, 11 का आधा करेंगे 5.5 आ जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो 5.5 होगा। कहाँ दिख रहा है? ये 5.5। अब सपोज करो यहाँ अगर प्रथम 11 पद बोल देता, सम के केस की जगह हम विषम कर देते, सपोज करो यहाँ 11 हो जाता। अब जब n हमारा विषम हो, n जब हमारा विषम हो ना तो बीच में एक पद होता है और वही पद हमारा माध्यिका होता है, बीच में एक पद होता है। देखो जैसे ही हमने यहाँ पर एक और पद हमने बढ़ा दिया तो देखो अब इधर कितने पद है, इधर हमारे कितने पद है? 5 पद है और इधर भी हमारे 5 पद है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 पद। तो बीच में कौन सा पद बचा? 6 बचा। तो हमारा माध्यिका क्या होगा? 6 होगा। उसमें जोड़ने घटाने का कोई चक्कर नहीं होता विषम के केस में। बीच वाला पद इधर जितने रखो उधर भी उतने रखो, बीच में एक पद आएगा, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे में π r². थीटा का मान हमारे पास क्या है प्रश्न में? 30। और त्रिज्या का मान हमारे पास प्रश्न में क्या है? 4। तो थीटा हमारे पास है 30/360, पाई का मान 22/7 और आर हमारा क्या है? 4 स्क्वायर है, 4×4, 3×3, 3×2×6, 4×3×12, 22 चौके ऊपर आ गए 88, नीचे से आ गए 7×3×21। इसको भाग दोगे, 21 से भाग देना है 88 में, 21 चौके 84 घटाएंगे 4 बचेगा, 0 लग जाएगा, 21×21 4.1 तो आ गया। 4.1 कहाँ था दिख रहा है आपको? 4.1 आपको दिख रहा होगा यहाँ, आगे हल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर बी हमका सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपका जो ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त PQPR दो स्पर्शी रेखा है और QPR आपको 46 दे रखा है, ये वाला कौन 46 है, तो आपसे बोला है QOR क्या होगा? QOR क्या होगा? आप जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं दोनों रेखा बराबर होती है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ कितने अंश का कोण है? यहाँ 90 है, यहाँ पे भी 90 और ये वाला कोण हमें निकालना है। ये क्या है बच्चों? एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। तो यहाँ लिखेंगे P+Q+O+R, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होगा? 360। मान रखो P का मान 46 है, Q का मान 90 है, O को हमने X माना है और R हमारा 90 है। 90 90 180, ठीक है, 180 में 20 जोड़ दोगे 200, ये हो जाएगा 226 प्लस X। अब आपको प्लस का 226 इधर रखेंगे हो जाएगा माइनस के 226, घटाओ 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, 134।
हमारा जो उत्तर सही होगा वो होगा 134 डिग्री। हो गया बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो हमारे पास एक समतल मैदान है, ये मैदान है और ये हमारी मीनार है, ठीक है, ये हमारी मीनार है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर, मान लेते हैं उन्नयन कोण भैया थीटा होगा, कितना है थीटा है। हमसे बोला है जो ऊंचाई है छाया उसकी √3 गुनी है, हमने मान लिया कि ऊंचाई एच है तो छाया क्या हो जाएगी √3h। हमें ये भुजा मालूम है और ये भुजा मालूम है, जो दो भुजा का मान मालूम है ना उनका अनुपात निकालना होता है। आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और 90° के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आधार। इसलिए हमें लंब पता है और हमें आधार पता है, जो दो मान पता है उनका अनुपात लेंगे, और लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। एच एक कम एच, ये इधर आ गया 1/√3, इधर हमारा टेन थीटा है, इसका मान टेन में सोचो क्योंकि इधर टेन है बीच में बराबर है ना, तो टेन में सोचना पड़ेगा। टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन से टेन हटा, थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। तो हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसा एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्या बोल रहे हैं, 2 tan 45 का मान 1 होता है, रख दिया, फिर cos 30 का मान होता है √3/2, वर्ग है लगा दो, sin 60 का मान होता है √3/2 वर्ग है लगा दो, ये माइनस का और ये प्लस का सेम टू सेम कटा, 2 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो 2 1 = 2 आ जाएगा आंसर। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 2, ठीक। आगे कह रहे समीकरण का विविक्त कर क्या होगा, हर साल एग्जाम में आता है, विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, D = B² - K4AC, ठीक। तो देखो हमारे पास प्रश्न में अगर हम आ जाते हैं, एक स्थान पर क्या है 3x² का गुणज, बी के स्थान पर क्या है -K2, और अचर पद क्या हमारा 1/3, सूत्र में रख दीजिए बी हमारा है कितना -K2 वर्ग 4, ए का मान है 3 और सी का मान है 1/3, 3 से 3 कटा, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है 2 × 4 और 4 1 = 4, डी का मान क्या हो गया 0, डी का मान आ गया 0। आप जानते हैं अगर डी का मान 0 होता तो क्या होता है बच्चों, प्रकृति पर भी प्रश्न आ सकता है, डी का मान 0 होने पर मूल वास्तविक और समान होता है, डी का मान प्लस आने पर क्या होता है कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, और डी का मान अगर माइनस में आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं विविक्तीकर पर संबंधित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसे स्किप कर दें। अगला जो प्रश्न है, कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो, जब भी शेषफल बोलेगा ना बच्चों, क्रमशः बोले तो हमें घटा देना है, इसमें से क्या घटाना है 8 को घटाना है, और इसमें से किसको घटाना है 5 को घटाना है, और बड़ी से बड़ी यानी कि HCF कीवर्ड है यहाँ पर, बड़ी से बड़ी जब भी बोलेगा तो हमें निकालना है HCF, और छोटी से छोटी बोलेगा तो LCM, ठीक। तो 125 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 117, और 70 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 65, इसका हमें निकालना है बड़ी से बड़ी यानी कि HCF, गुणनखंड करेंगे 3 × 9 = 27, 3 + 3 = 3, 3 × 9 = 9, 13 + 1 = 13, यहाँ पे आ जाओ 5 से काटोगे 5 + 5 = 5, 5 × 3 = 15, 13 + 1 = 13, गुणनखंड किया हमने 117 है 3 है 2 बार और 13 है 1 बार, और 65 में 13 है 1 बार और 5 है 1 बार, जो संख्या दोनों में हमें वही देखना है ना HCF निकालने के लिए, 13 दोनों में है तो HCF क्या आ जाएगा, जो संख्या दोनों में होती है उसकी न्यूनतम घात, तो 13 की न्यूनतम घात 1 ही है, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 13, कितना मिल जाएगा बच्चों 13, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने एकदम छाट छाट के ही रखे हैं 20 क्वेश्चन के लिए लिखा था,
ये नहीं कि थंबनेल में 20 लिख दूं और कोई इधर मैं 100 करवा रहा हूं, तो वो बात गलत है ना, वो धोखा होता है। देखो बच्चों, ये तो 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी क्वेश्चन जानने हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी उसको जरूर देख लेना। उस वीडियो को अगर देख लेते हो तो ये तो मैं मोहर लगा दूंगा कि सारे एग्जाम में फंसेंगे वहीं से। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।